नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह निराला कंस्ट्रक्शन चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बनता हुआ घर जो कि है 40 फीट बाय 35 फीट मतलब 1400 स्क्वायर फीट में इस बन रहे घर का वॉक थ्रू में आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ। इस घर के अंदर में ले चलूँगा और दिखाऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। और इस घर के बाहर आप देख रहे हैं कि 13 फीट बाई 13 फीट में बना हुआ एक सुंदर हाउस एंट्रेंस पॉइंट भी है। और इस घर के बायां साइड में देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत खिड़की का निर्माण किया जा रहा है। और दाहिने साइड में देखेंगे तो स्टेयर है इस घर का, मतलब सीढ़ी रूम है दाहिने साइड में और बायां साइड में एक सुंदर खिड़की, बीच में हाउस एंट्रेंस पॉइंट। बहुत ही अच्छा ढंग से काम किया जा रहा है। 13 फीट बाई 13 फीट का ये एंट्रेंस पॉइंट है। इसका कंप्लीट जो वीडियो है उसको मैं पहले डाल चुका हूँ, खिड़की के बारे में भी पहले मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। वैसे आप देख लीजिए कि जो छत की ढलाई किया गया है उसी लेवल पे आपको हाउस एंट्रेंस पॉइंट को भी इस तरीका से बाहर निकालते हुए छज्जा ढलाई कर लिया गया है। और उसमें देखेंगे तो नीचे में आपको आर्क शेप का कुछ डिज़ाइन नज़र आएगा और उसमें पट्टी डिज़ाइन लगाया गया है। उसके साथ साथ ऊपर में देखेंगे तो आपको स्लोप डिज़ाइन है। और इधर से देख लीजिए, जब ये घर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो तो लाऊंगा, लेकिन अभी आप देखे हुए रहेंगे तो आने वाला दिन में जो वीडियो आएगा उसमें आपको समझने में काफ़ी आसानी होगा। तो देख लीजिए, ये है खिड़की, बहुत ही खूबसूरत ढंग से यहाँ पे बनाया गया है। नीचे में देखेंगे तो नीचे वाला हिस्सा में आपको स्टेप डिज़ाइन भी देखने को मिल रहा है जो कि कलर करने के बाद काफ़ी आपको अच्छा लुक देगा। दो आप देखेंगे सर्कुलर कॉलम, फिर ऊपर में जो हाउस एंट्रेंस पॉइंट का डिज़ाइन था, नीचे में आर्क शेप, ऊपर में स्लोप डिज़ाइन, और उसके साइड साइड में देखेंगे तो आपको पट्टी डिज़ाइन देखने को मिलेगा। उसी दोस्तों डिज़ाइन के तहत दोनों को बनाया जा रहा है, मतलब हाउस एंट्रेंस पॉइंट और ये आप देख रहे खिड़की को बनाया गया है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ इसे बनाने का काम किया जा रहा है, कलर के बाद अच्छा लुक मिलेगा। चलिए देखते हैं अंदर। तो जैसे ही आप हाउस एंट्रेंस पॉइंट के अंदर वाला भाग में आप प्रवेश करते हैं, घर के पहला जो आपको मिलेगा रूम वो है आपको हॉल, या फिर इससे आप वेटिंग एरिया भी बोल सकते हैं। देख सकते हैं कि प्लास्टिक तरह का जो काम है वो कंप्लीट है। इसके बाएं साइड का बात किया जाए तो मैंने आपको बाहर से दिखाया था, जो खिड़की दिख रहा था वो सीढ़ी रूम था। तो देख लीजिए, लगभग 6 फीट बाई 10 फीट का आपको यहाँ पर मिलता है सीढ़ी रूम। और जो भी दरवाज़ा लगाया गया है वुडन का लगाया गया है। फिर इसके अंदर आते हैं तो जो बायां साइड वाला एरिया है यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉमन टॉयलेट बाथरूम। और बाहर में ही कॉमन टॉयलेट रूम बाथरूम रहेगा तो आपके लिए अच्छा होगा, कोई गेस्ट वगैरह के लिए भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। फिर ये आपका मिल जाता है हॉल और उसके साथ साथ डाइनिंग एरिया। और ये देखिए डाइनिंग एरिया, वहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर का मास्टर बेडरूम। मैं आपको बारी बारी से सारा चीज़ दिखाऊंगा। ये है इस घर का दूसरा बेडरूम, ये है और इस घर का तीसरा बेडरूम, और यहाँ पे इस घर का किचन बनाया जा रहा है। तो देख लीजिए, जो स्लैब ढलाई तक का काम है वहाँ तक कंप्लीट हुआ है। जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे मैं आपको आने वाले दिन में वीडियो अपडेट करते रहूँगा। देखिए, 3 बेडरूम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए मैं आपको इस घर के मास्टर बेडरूम में लेकर चलता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे वार्डरोब के लिए जगह छोड़ा गया है जिसमें आप आसानी के साथ जो घरेलू सामान होते हैं उसको रख सकते हैं। यहाँ पे एक विंडो आपको 4 फीट बाई 4 फीट का देखने को मिल रहा है। कॉर्नर पर घर बनाते हैं कॉर्नर वाला रूम में, तो आप उसमें डबल विंडो का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा आपको लाइट वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से होगा। इसी में आपको मिल जाते हैं कॉमन टॉयलेट और बाथरूम, ये देख लीजिए। और इसके बगल में देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको बेडरूम में देखने को मिलेंगे, दूसरा बेडरूम आप देख सकते हैं। इसमें भी जो भी हमारा घर का अंदर का फर्नीचर का काम होगा वो वुडन का किया जाएगा, लकड़ी का काम किया जाएगा। देखिए, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया था घर में और यहाँ पे आपको मिला था वेटिंग एरिया या फिर हॉल बोलेंगे। फिर यहाँ पे आपको बायां साइड में मिला था सीढ़ी। और इसी हॉल के दूसरे साइड में देखेंगे तो आपको गेस्ट रूम के रूप में मिला था, वो था मास्टर बेडरूम, ये पहला दूसरा तीसरा बेडरूम। फिर यहाँ पर आपको मिल गया था किचन और ये में
हॉल में अभी खड़ा होकर वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। अब चलते हैं घर के बायां तरफ, हाउस एंट्रेंस पॉइंट के बायां तरफ हम लोग चलेंगे, क्योंकि दाहिने तरफ आपने देखा था सीढ़ी रूम था, फिर बीच में था हाउस एंट्रेंस पॉइंट, फिर बायां की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है बेडरूम, जिससे आप गेस्ट रूम या फिर स्टडी रूम के रूप में उपयोग करेंगे। दो विंडो आपको देखने को मिल रहा है, 4x4 का। ये देखिए, ये विंडो को हम लोगों ने बाहर से देखा जो तो काफ़ी अच्छा ढंग से बनाया गया था, ये वही विंडो है, आप देख लीजिए। तो बाहरी लुक को अच्छा बनाना है तो आपको एक हाउस एंट्रेंस पॉइंट बनाना चाहिए घर के आगे, और अच्छा विंडो डिज़ाइन बनाएंगे तो अगर आप एक सिंपल घर भी बनाते हैं ना तो उसमें 4 चांद लग जाता है। तो इस टाइप से देखिए इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। मैं आपको और भी बता रहा हूँ कि देखिए, अगर आप एक बड़ा घर बनाते हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन का जो काम है उसके बारे में पहले ही सोच ले। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे घर में आपको अंधेरा टाइप का नज़र आ रहा होगा, जब खिड़की दरवाज़ा इसमें लग जाएगा तो और भी आपको वेंटिलेशन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए पहले आप प्लानिंग कर ले कि आपको किस जगह पर खिड़की देना है, और बड़ा घर बनाते हैं तो कोशिश करें कि जो खिड़की का साइज़ है उससे थोड़ा बड़ा दे, और जो कॉर्नर पे है मतलब कोना पे जो आपका रूम है वहाँ पे डबल विंडो आप ज़रूर दे। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस घर के अंदर से देखा कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। मैं आपको अभी हाउस एंट्रेंस पॉइंट पे खड़ा होकर वीडियो दिखा रहा हूँ, हल्का पीछे होकर मैं आपको और भी अच्छे से दिखा देता हूँ, जिससे सारी चीज़ें जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। बाएं साइड में आप लोगों ने देखा जो दो गेस्ट रूम ये विंडो के पीछे, उसके बाद आप लोगों ने हाउस एंट्रेंस पॉइंट देखा, और उसके दाहिने साइड का बात किया जाए तो आप लोगों को मिल जाता है स्टेयर रूम, जिससे आसानी के साथ आप बिना घर में घुसे ही फर्स्ट फ्लोर में आसानी के साथ जा सकते हैं। तो ऊपर में अगर आप रेंटर वगैरह के लिए रूम बनाते हैं तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, आसानी के साथ आपका रेंटर है वो बाहर से ही अपने फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि इस घर का हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का जो वीडियो है, मतलब अब तक का खर्च का ब्यौरा देते हुए एक वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि इस घर को बनाने में अब तक कितना रुपया खर्चा हुआ है, और वो वीडियो आज से 2 से 3 दिन के बाद आप लोग के लिए मैं अपलोड करने वाला हूँ। साथ साथ ये भी बता दूँ कि इस घर का जो आप खिड़की देख रहे हैं, खूबसूरत खिड़की, इसका स्पेशल वीडियो भी चैनल पे उपलब्ध है, और जो ये हाउस एंट्रेंस पॉइंट देख रहे हैं इसका भी वीडियो पहले मैं आप लोगों की सेवा में डाल चुका हूँ। तो उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उससे भी देख सकते हैं। उम्मीद है ये कोशिश हमारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।